Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी चीजी सॉसेज टाकोज है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं या फिर रमजान का महीना चल रहा हो या फिर ऐसे ही आपको कभी खाने की जरूरत हो और समय कम हो और कुछ बनाने का दिल करे तो चीजी सॉसेज टाकोज को बनाना बहुत ही आसान है। आप फ्रिज में टाकोज बनाकर रख सकते हैं और जब चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चीजी सॉसेज टाकोज को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत पड़ेगी ये फटाफट देख लेते हैं और इसको हम तैयार करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चीजी चिकन सॉसेज टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन में हमें इसकी स्टफिंग तैयार कर लेना है चीजी सॉसेज टाकोस के लिए। तो हमने यहाँ पे दो पैन ले लिया है। एक पैन में हम सॉसेज को थोड़ा सा सोटे करेंगे और एक पैन में वेजिटेबल को थोड़ा सा सोटे करेंगे। तो दोनों पैन हमने गैस को ऑन कर दिया है, दोनों ही पैन हमारे गर्म हो गए हैं। तो सबसे पहले जिसमें हमें सॉसेज को सोटे करना है 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे और दूसरी कढ़ाई में भी हम ऑयल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें सॉसेज को थोड़ा सा सोटे कर लेना है। हमने यहाँ पे चिकन सॉसेज लिया है और इनको पैन में हमें डाल देना है और तेल हमारा यहाँ कढ़ाई में भी गर्म हो गया है और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियां लिया है। सब्जियों को हमें रफली बहुत ज्यादा महीन भी नहीं काटा है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं काटा है। हमने यहाँ पे एक प्याज को ऐसे इस तरह से हमें स्लाइस कर लिया है। इसके साथ टमाटर को भी ले लिया है हमने, टमाटर के बीजों को हमने निकाल दिया है और इसी तरह से हमने गाजर को ले लिया है और लंबे लंबे स्टिक में हमने काट लिया है और इसी तरह से हमने शिमला मिर्च को भी लंबे लंबे स्टिक में काट लिया है और पत्ता गोभी हरी मिर्च है और इसमें हरी मिर्च है हमने 2 काटा है और इसमें हरी धनिया हमने 2 चम्मच महीन महीन काट लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है और इधर हमें सॉसेज को भी देख लेना है। इसमें हमें प्याज डाल देना है, इसके साथ हमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। बीच में हमें सॉसेज को चला लेना है, थोड़ा सा हमें हाई फ्लेम पे इनको भून लेना है। अब इनके साथ हमें ये जो वेजिटेबल हमने रखा है वो डाल देंगे। अब इसमें हमें 1/2 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल देना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छा है। 1/2 चम्मच इसमें सोया सॉस जाएगा और इसके साथ इसमें जीरा पाउडर जाएगा। 1/2 चम्मच हमने इसमें जीरा पाउडर लिया है, साथ में 1/4 स्पून में गरम मसाला जाएगा और इसके साथ इसमें 1/2 चम्मच नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसमें पिज्जा हट जाएगा। सॉसेज हमारे अच्छे से गोल्डन कलर में आ गए हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 1 चम्मच हम पिज्जा सॉस डालेंगे। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह टमेटो केचप भी दे सकते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है और उधर हमारा सॉसेज भी अच्छे से सिक गया है, सेलो फ्राई हमने कर लिया है उसको। चीजी सॉसेज टाकोज के लिए ये हमारी वेजिटेबल तैयार हो गई है और यहाँ पे हमारा सॉसेज भी सोटे हो गया है। तो आइए हम टाकोज को तैयार कर लेते हैं। चीज सॉसेज टाकोज के लिए हमने यहाँ पे टाकोज ले लिया है, इसके साथ हमने ये सॉसेज को सोटे कर लिया है। अब हमें इसको बीच से थोड़ा सा कट कर लेना है ताकि हम इसमें मोजरेला चीज भर सकें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो बिना चीज के भी आप सॉसेज टाकोस बना सकते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसमें हमें मोजरेला चीज भर लेना है। मोजरेला चीज हम इसकी स्टफिंग के ऊपर भी डालेंगे, लेकिन ये सॉसेज में अगर आप स्टफ करके बनाएंगे तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। सारे सॉसेज को हमने चीज से स्टफ कर लिया है। अब हमें एक टाकोस ले लेना है और टाकोस के आधे हिस्से में हमें अपनी पसंद का आप इसमें सॉस लगा सकते हैं, पिज्जा सॉस लगा सकते हैं या फिर आप इसमें टमेटो केचप लगा सकते हैं या फिर इसमें आप मेयोनीज भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे मेयोनीज लगाएंगे और साथ में पिज्जा सॉस भी थोड़ा सा लगाएंगे ताकि इसका फ्लेवर खाने में काफी अच्छा हो।
और एक साइड में हमें पिज्जा सॉस लगाना है। अब हमें एक सॉसेज को लेना है और इस तरह से बीच में हमें रख लेना है, और बीच में रखने के बाद हमें इसकी स्टफिंग एक साइड में इस तरह से रख लेनी है, और स्टफिंग रखने के बाद थोड़ा सा हमें चीज इसमें रखना है और इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से ये हमारा टोकोस के लिए, इस तरह से ये टोकोस के लिए हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो एक एक करके सारे टोकोस को हमें तैयार कर लेना है इसको सेकने के लिए। तो आइए एक एक करके हम ये सारे टोकोस को तैयार कर लें। ये सारे टोकोस हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें तवे पे सेलो फ्राई करना है, इसको सेक लेना है। तो आइए इसको हम सेक लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम बटर डाल लेंगे और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और एक एक टोकोस को हमें पहले थोड़ा सा इस तरह से नीचे बेस हमें थोड़ा सा इसको पहले सेक लेना है। अब इसको हमें पलट लेना है और मीडियम फ्लेम पे हमें सेकना है, नहीं तो इसमें क्रंच नहीं आएगा। टोकोस में थोड़ा सा क्रंच रहता है तभी खाने में अच्छा लगता है, और हमारा ये चीज अंदर से मेल्ट भी हो जाएगा। अब ये हमारा तैयार हो गया है, इसको हमें निकाल लेना है और दूसरा भी इसी तरह से हमें सेक लेना है। इस तरह से याना भी तैयार हो गया है, बाकी के इसी तरह से हम टोकोस को तैयार कर लेते हैं। चीजी सॉसेज टोकोस बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। छुट्टियों में बच्चों के साथ मिलकर ये टोकोस को आप बनाएं और एंजॉय करें। आपको हमारी चीजी सॉसेज टोकोस की रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर दें। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स और हौसले से एक कदम आगे बढ़ने का हमें हौसला मिलता है, और इसी तरह से अपना प्यार और हौसला हमारे हंग्री स्पून चैनल को देते रहें, और अपने परिवार में दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंग्री स्पून।